जी दोस्तों, तो Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10S इंडिया में लॉन्च तो कर दिया गया है, डिसेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च किया गया है। 15,000 से स्टार्टिंग होता है 6GB प्लस 64GB वाले वेरिएंट का, और 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 16,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर। लेकिन चूंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, थोड़ा सा ज्यादा इसका प्राइस रखा गया है, तो यहाँ पर लिटिल सा कंफ्यूजन होने लग गया है भाई कि Redmi Note 10S परचेस किया जाए या 1,000 रुपए ऊपर दे करके Redmi Note 10 Pro लेना सही रहेगा। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन को, Redmi Note 10S को कंपेयर करेंगे Redmi Note 10 Pro के साथ में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके Redmi Note 10 Pro लेना फायदे का सौदा है या 1,000 रुपए बचा करके Redmi Note 10S लेना ज्यादा बेटर है। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को। Redmi Note 10S की अगर बात करें तो यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड दिया गया है, प्लास्टिक का बैक मिलता है, प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का यहां पर आपको प्रोटेक्शन मिलता है, तो डिसेंट बिल्ड क्वालिटी मिलती है। वेटेज एंड थिकनेस की बात करें तो 178 ग्राम्स फोन का वेट है और 8.3 mm की थिकनेस है, तो स्लिम फोन है, लाइट वेट फोन है और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। लेकिन Redmi Note 10 Pro की अगर बात करें तो यहां पर आपको फुल ग्लास बिल्ड मिलता है, बैक में आपको फ्रॉस्टेड ग्लास दिया गया है, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। वेटेज एंड थिकनेस की अगर बात करें तो 191 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है, 8.1 mm की थिकनेस है, तो और थोड़ा सा स्लिम फोन है Redmi Note 10S के कंपैरिजन में, हालांकि थोड़ा सा हैवी वेट है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली आपको Redmi Note 10 Pro में बहुत ज्यादा बेटर मिलती है। और डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन लैंग्वेज दोनों फोन की ऑलमोस्ट आपको एक जैसी मिलती है, टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप दोनों फोन के अंदर मिलता है, फ्रंट में आपको सेंटर कंसोल मिलता है, तो दिखने में दोनों फोन ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं। कलर्स की अगर बात करें तो Redmi Note 10S में आपको ग्रे कलर मिलता है, ब्लू कलर मिलता है, व्हाइट कलर मिलता है, 3 कलर्स यहां पर दिए गए हैं। वहीं पर बात करें हम Redmi Note 10 Pro की तो यहां पर आपको ब्लैक, ब्लू और ब्रॉन्ज 3 कलर्स में फोन मिलता है। दिखने में दोनों फोन अच्छे हैं भाई, दोनों में से दिखने में तो किसी भी तरफ जा सकते हो, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में Redmi Note 10 Pro कहीं ज्यादा बेटर लगता है। डिस्प्ले की अगर बात करें Redmi Note 10S के अंदर आपको 6.43 इंचेस का थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले मिलता है, कॉम्पैक्ट फोन है, 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, जहां पर आपको 1100 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है और सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, तो यहां पर जो डिस्प्ले क्वालिटी दी गई है वो अच्छी दी गई है। लेकिन बात करें Redmi Note 10 Pro के बारे में तो यहां पर आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, तो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आता है, सुपर एमोलेड पैनल यहां पर भी आपको दिया गया है, यहां पर आपको 1200 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है और सबसे अच्छी बात 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, HDR10 का भी यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो डिस्प्ले के मामले में भी यहां पर Redmi Note 10 Pro जो है वो कहीं ज्यादा बेटर है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें भाई तो Redmi Note 10S के साथ में आपको दिया गया है MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G95 चिपसेट, जो कि 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी ठीक ठाक रहती है, थोड़ा सा फोन गर्म भी हो सकता है, बैटरी भी खा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, 2.05 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, A76 वाले कोर्स दिए गए हैं, गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G76MP4 GPU मिलता है, LPDDR4X RAM दी गई है, UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलता है, तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको अच्छी मिल जाएगी। लेकिन Redmi Note 10 Pro की अगर बात करें तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, हीटिंग का इशू कम मिलेगा, 2.3 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, Cryo 470 वाले कोर्स यहां पर दिए गए हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाएगी, गेमिंग ग्राफिक्स के लिए Adreno 618 GPU यहां पर आपको मिलता है, जो कि आपको अच्छी गेमिंग करा देता है, LPDDR4X RAM मिलती है और यहां पर UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी आपको Redmi Note 10 Pro के अंदर बेटर मिलने वाली है, हालांकि गेमिंग आपको थोड़ी सी बेटर मिल सकती है Redmi Note 10S के साथ में, लेकिन भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको Redmi Note 10 Pro के अंदर बेटर मिलने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो भाई Redmi Note 10S के पीछे आपको 4 कैमरास का सेटअप दिया गया है, जहां पर 64 मेगापिक्सल का
प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, और फ्रंट में अगर बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और 1080 पिक्सल में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। तो डिसेंट कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है। Redmi Note 10 Pro की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। 4 कैमरास यहाँ पर पीछे की तरफ मिलते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, और फ्रंट में अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और 1080 पिक्सल में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। कैमरा सेटअप की भी अगर बात करें तो Redmi Note 10 Pro के अंदर आपको बेटर कैमरा सेटअप दिया गया है। बैटरी की अगर बात करें तो Redmi Note 10S के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। Redmi Note 10 Pro की अगर बात करें तो यहां पर आपको 5020mAh की बैटरी मिलती है, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर यहां पर भी आपको बॉक्स में मिलता है। तो बैटरी मॉड्यूल दोनों का ऑलमोस्ट आपको एक जैसा मिलता है, बैटरी के मामले में आप किसी भी फोन की तरफ जा सकते हो। हालांकि यहां पर अगर बात करें हम Redmi Note 10 Pro के बारे में तो यहां पर 8nm का चिपसेट लगाया हुआ है, इससे बैटरी बैकअप आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है तो वो बैकअप यहां पर बराबर हो जाएगा। तो बैटरी के मामले में मेरे हिसाब से दोनों फोन लगभग एक जैसे हैं। दोनों ही फोन में चार्ज करने के लिए आपको टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, दोनों ही फोन में हमारे प्यारे दुलारे 3.5mm के खड्डे मिल जाते हैं, दोनों ही फोन में 3.5mm जैक दिए गए हैं, दोनों ही फोन के साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक मिल जाता है, दोनों ही फोन के साथ में आपको चुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर भी आपको दोनों फोन के साथ में मिल जाते हैं। तो सेंसर में दोनों फोन में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। उसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करें तो दोनों ही फोन के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो भाई जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी आपको दोनों फोन्स में काफी अच्छी मिलने वाली है। एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करें तो दोनों ही फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर मिलते हैं, लेकिन Redmi Note 10S चूंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12.5 का सपोर्ट मिलता है। Note 10 Pro के अंदर आपको MIUI 12 मिलता है और 12.5 का अपडेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा, तो OS का एक्सपीरियंस भी आपका दोनों में भाई एक जैसा रहने वाला है। हालांकि Redmi Note 10 Pro को लेने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अपडेट का, लेकिन भाई MIUI 12.5 का अपडेट यहां पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। उसी के अलावा अगर बात करें, ऑलमोस्ट सारी चीजों की हम यहां पर बात कर ही चुके हैं, वेरिएंट्स की अगर बात करें तो दोनों ही फोन 6GB+64GB और 6GB+128GB वाले वेरिएंट्स में आपको मिल जाते हैं, और प्राइस पॉइंट जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताई दिया था, Redmi Note 10S जो है 6GB+64GB आपको मिलता है 14,999 रुपए में, Redmi Note 10 Pro का 6GB+64GB आपको मिलता है 15,999 रुपए में, और Redmi Note 10S का 6+128 आपको मिलता है 15,999 में, यही वाला वेरिएंट Redmi Note 10 Pro का आपको मिलता है 16,999 में। अब भाई यहां पर सीन क्या हो सकता है, या तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro का 6GB+64GB वाला वेरिएंट बेचेगा ही नहीं, उसको भाई सेल में लाएगा ही नहीं ताकि Redmi Note 10S बिके, क्योंकि अगर स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो मेरे हिसाब से हर जगह पर Redmi Note 10 Pro जो है वो कहीं ज्यादा बेटर लगता है, चाहे हम डिस्प्ले की बात कर लें, चाहे हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, चाहे हम प्रोसेसर की बात करें, गेमिंग की बात करें, चाहे यहां पर कैमरा की बात की जाए, चाहे यहां पर बैटरी की बात की जाए, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में ऐसा लगता है भाई कि Redmi Note 10 Pro जो है वो बेटर है Redmi Note 10S के कंपैरिजन में। तो भाई यहां पर 1000 रुपए ऊपर दे करके मेरा सजेशन तो यही रहेगा भाई कि अगर आपका बजट है 15-16 हजार रुपए के आसपास तो भाई 1000 रुपए ऊपर दे करके Redmi Note 10 Pro लेना ज्यादा फायदे का सौदा रहने वाला है। लेकिन डिपेंड करता है कि Xiaomi इस वेरिएंट को बेचना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। हो सकता है भाई कि 6GB+64GB वाला जो वेरिएंट है Redmi Note 10 Pro का वो विलुप्त हो जाए, आपको मिले ही ना भाई, केवल वो दिखाया जाए कि हाँ भाई ये वाला फोन आपको 6GB+64GB में मिलता है, लेकिन कभी भी ना वो तो सेल में आएगा ना भाई उसकी सेल की जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है Redmi Note 10S को बेचने के लिए Xiaomi 6GB+64GB Redmi Note 10 Pro को हाइड कर सकता है, लेकिन भाई फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप Redmi Note 10S लेने का सोच रहे हैं तो Redmi Note 10 Pro ले लो भाई, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि दोनों फोन को देखते हुए आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।